Hello everyone, welcome to on my YouTube channel Education Tube. Today we are going to talk about sun solar flare. तो आज हम बात करने वाले हैं सन सोलर फ्लेयर के बारे में। देखा है तो यह न्यूज में, क्योंकि यह इंसिडेंट जो है हाल ही में हुआ है और यह जो है न्यूज में है, तो हम जानेंगे आज सन सोलर फ्लेयर के बारे में। तो देखा है तो सन सोलर फ्लेयर क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिक्चर में सन का सरफेस है, जहां पर देखा है तो भारी मात्रा में विस्फोट होता है, ह्यूज विस्फोट होता है, जिसमें देखा है तो प्रकाश, स्मॉल पार्टिकल्स और देखा है तो काफी मात्रा में जो एनर्जी रिलीज होता है, और ये एनर्जी और देखा है तो हाई वेलोसिटी से जो है स्पेस में ट्रेवल करना शुरू करता है। तो इस इंसिडेंट को देखा जाए तो बोलते हैं सन सोलर फ्लेयर, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी होती है कि आंधी तूफान स्टॉर्म की तरह होती है, इसलिए इसको जो है सन सोलर फ्लेयर स्टॉर्म भी कहते हैं। तो इससे देखा जाए तो फायदे और नुकसान दोनों हैं। इनसे देखा जाए तो फायदे है कि इनसे जो भी चीज, जो भी वेव्स निकलते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं, इससे साइंटिस्ट को जो इसकी स्टडी करने में, यानी सोलर सिस्टम को समझने में, स्पेस साइंस को समझने में मदद मिलती है। उसके अलावा जो है इसका जो हानिकारक वाला पोर्शन है वो है कि जो सन सोलर फ्लेयर आता है वो कहीं ना कहीं जीपीएस सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन को जो है एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स आप यहां पे देख सकते हैं पिक्चर में। सोलर फ्लेयर 2021 जो इंसिडेंट 3 जुलाई को साइंटिस्ट ने बताया कि ये इंसिडेंट हुआ है, और इसका जो इंपैक्ट पृथ्वी पर भी पहुंचने वाला है, क्योंकि पृथ्वी तक जो है इसके जो वेव है यानी कि फ्लेयर, इसको पहुंचने में समय लगेगा, और इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। और जो एक्स फ्लेयर, इसका नाम दिया गया है एक्स फ्लेयर, और एक्स फ्लेयर देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लेयर में से एक होता है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं डिटेल। Now you can read here a high speed solar storm that is approaching the earth at a speed of 1.6 million km per hour according to NASA. तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो सन सोलर फ्लेयर की घटना जो है इंसिडेंट हुआ है, और इसकी स्पीड देखा जाए तो 1.6 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ट्रेवल कर रहा है, और यह पृथ्वी तक अभी नहीं पहुंचा है, उम्मीद है कि यह पृथ्वी पर भी पहुंचेगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू हिट अवर प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड लेटर टूडे, अफेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को यह जो है दुनिया भर में डिस्ट्रॉय कर सकता है। द सोलर फ्लेयर फ्लोइंग फ्रॉम ए इक्वेटोरियल होल इन द सन्स एटमोस्फेयर दैट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड ऑन जुलाई 3rd कैन ट्रेवल एट ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर सेकेंड According to spaceweather.com। तो यहाँ पर spaceweather.com ने बताया कि जो सन फ्लेयर है वो 500 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है 3rd जुलाई को डिटेक्ट किया गया था। कहाँ पर? तो ये सन के जो है एटमॉस्फेयर में ही डिटेक्ट किया गया था। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्दाउ फुल फ्लैश्ड जो मैग्नेटिक स्टॉर्म आर अनलाइकली लेसर जो मैग्नेटिक अनरेस्ट कुड स्पार्क हाई अल्टीट्यूड अरोरा। तो आप इसके बारे में भी डिटेल से जान सकते हैं। यहाँ पे दैट सैटेलाइट इन द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू गेट इंपैक्ट बाय द इनकमिंग फ्लेयर। दिस विल डायरेक्टली इंपैक्ट जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल्स, सैटेलाइट टीवी एंड पावर ग्रिड कैन आल्सो बी हिट बाय द सोलर फ्लेयर। तो सोलर फ्लेयर से देखा जाए तो अगर हिट करता है तो सबसे पहले अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर में जीपीएस सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं उसको जो है या बर्बाद करेगा। उसके बाद देखा है तो मोबाइल सिग्नल, टीवी टावर जो है और बिजली का जो ग्रिड है, इन सब पर भी इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द स्टॉर्म कैन ऑल्सो लीड द ब्लैक आउट ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन For nearly an hour in a vast area, the center has marked the solar flare X1 level X, denoting the classification, and the numerical suffix denoting the strength of the flare. तो यहाँ पर जो flare है उसका नाम दिया गया है X1 level का है, तो उसका नाम X से denote किया गया है। और यह देखा जाए तो United States का जो वेदर प्रिडिक्शन सेंटर है, उन्होंने जानकारी दिया है कि जो इसका जो है एक तरह से लीड करेगा ब्लैक आउट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन फॉर नियरली एन आवर इन वास्ट एरिया, द सेंटर हैज मार्क द सोलर फ्लेयर। यहाँ पर देखा जाए तो सोलर फ्लेयर होता क्या, इसके बारे में देखा जाए तो सोलर फ्लेयर मैसिव एक्सप्लोजन होता है ऑन द सर्फेस ऑफ द सन दैट रिलीज एनर्जी, लाइट एंड हाई स्पीड पार्टिकल्स इन टू स्पेस
According to the NASA, biggest players are known as X-class flare based on a classification system that categorizes solar flare as per their strength. The smallest ones fall under a class followed by B, C, M, and X. The solar flare that is likely to hit Earth magnetic field today is an X-class flare. तो यहाँ पर देखा जाए तो सोलर फ्लेयर के बारे में बताया क्या होता है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है, हाई स्पीड पार्टिकल जो स्पेस में फैलता है, यानी कि सोलर फ्लेयर जो एक तरह का मैसिव एक्सप्लोजन होता है सन के सरफेस पे, और उसका जो कैटेगरी वाइज दिया गया यहाँ पर ए बी सी एम एक्स जो है उसको कैटेगरी वाइज दिया गया बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। तो सबसे अधिक स्ट्रेंथ दिखाए तो एक्स क्लास जो फ्लेयर उसका है, और वही इंसिडेंट जो अभी हुआ है उसमें से एक्स प्लेयर का जो ही देखा जाए तो पृथ्वी पर टकराने की संभावना है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।